द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। दोस्तों ये कथन बिल्कुल ठीक तरह से दर्शाता है 18th से 20th सेंचुरी की सुपर पावर ब्रिटेन को, जिसकी कॉलोनीज एक समय पे दुनिया भर में मौजूद थी। ये वो दौर है जब ब्रिटेन ने अंटार्कटिका छोड़ वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अगर बाकी यूरोपियन पावर्स को भी शामिल कर लें तो 18th से 20th सेंचुरी के बीच पूरी दुनिया पर यूरोपियंस का ही राज था। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन US का सामने आता है, जिसने 1775 से 1783 में लड़े गए अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर के द्वारा अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी। ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यूरोपियंस ने ही यूरोपियंस के खिलाफ ही लड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि 15th से 16th सेंचुरीज की एज ऑफ डिस्कवरी के दौरान अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स का जेनोसाइड कर यूरोपियंस ने उसे कॉलोनाइज किया, और बाद में इन्हीं कॉलोनीज में यूरोपियंस ने अपनी कंट्रीज के अगेंस्ट लड़कर इंडिपेंडेंस हासिल की। खैर अगर एक अमेरिका की बात छोड़ दें तो 20th सेंचुरी तक पूरी दुनिया पर यूरोप का ही शासन था। लेकिन क्या आज कोई भी यूरोपियन कंट्री या फिर यहाँ तक कि पूरा यूरोपियन यूनियन भी अपने आप को सुपर पावर कह सकता है, या आज यूरोप उल्टा अमेरिका की ही कॉलोनी बन चुका है? ये सवाल आज के रशिया यूक्रेन क्राइसिस में वेस्टर्न कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट को देख कर भी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सुनाते हैं पोस्ट वॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी, जिससे आज जो यूक्रेन में सूरत हाल है उसे समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और वर्ल्ड ऑर्डर को एक शब्द में समेटना है तो वो शब्द होगा ओपन और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्री ट्रेड जैसे आइडियल सुप्रीम है। ये सारे नए प्रिंसिपल्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लाए गए और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद एक्सपैंड किए गए। इसका ताना बाना USA ने ही डिजाइन किया, और इसका डिजाइन यूरोप को US की प्रोटेक्शन के अंडर यूनाइटेड रखते हुए यूरेशिया पर US मिलिट्री की परमानेंट हेजेमनी इंश्योर करता है। इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य यूरोप में किसी भी सिंगल पावर को डोमिनेट ना होने देना और इस पूरे रीजन को US का एक अलाई बनाए रखना है। इससे पुरानी रीजनल दुश्मनियां तोड़ी गईं और फ्यूचर के वर्ल्ड वॉर्स प्रिवेंट किए गए। ये इस स्ट्रेटजी की सफलता का एक बड़ा सबूत है कि आज तक थर्ड वर्ल्ड वॉर प्रिवेंट होता रहा है। दोस्तों ये स्ट्रेटजी बहुत समय की सीख के बाद बनाई गई। वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका आइसोलेशनिज्म और अमेरिका फर्स्ट जैसी नेशनल स्ट्रेटजीज फॉलो करता रहा। 4 लाख अमेरिकन्स ने यूरोप में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स के दौरान अपनी जान गंवाई। 20th सेंचुरी के बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग वियतनाम, कोरिया और पर्शियन गल्फ में अमेरिका की कैजुअलिटीज इसकी एक चौथाई भी नहीं है। इससे अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स को ये साफ हो चुका था कि आइसोलेशनिज्म और अमेरिका फर्स्ट की स्ट्रेटजीज बस एक ख्वाब हैं जो हकीकत में इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, और इस कारण नई स्ट्रेटजीज की संरचना की गई। आइए अगले सेक्शन में उन नई संरचनाओं को समझते हैं। दोस्तों आज हम पीस, यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी यूरोप के लिए एक नेचुरल सा फिनोमेनन दिखता है। ह्यूमन डेवलपमेंट से लेकर हैप्पीनेस इंडेक्स तक ज़्यादातर इंडिकेटर्स को फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसी यूरोपियन कंट्रीज ही डोमिनेट करती हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। कई शताब्दियों से यूरोप ग्लोबल वायलेंस का केंद्र रहा है, यूरोप के अंदर भी और बाहर भी। एज ऑफ डिस्कवरी और ग्लोबल एक्सप्लोरेशन के आने से यूरोप दुनिया का वायलेंस एक्सपोर्टर बन गया। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ वायलेंस की इंटेंसिटी भी बढ़ती चली गई। दोस्तों एशिया में कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट से तो हम सभी रूबरू हैं, लेकिन अफ्रीका और अमेरिका में हमें इसका सबसे विभस्त रूप देखने को मिला। बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड सेकेंड ने कांगो को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह क्लेम किया। 1 करोड़ कांगोलीज लियोपोल्ड सेकेंड के राज में मारे गए, और ये तो अफ्रीका के बस एक देश की कहानी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल से पूरी दुनिया में यूरोपियन वायलेंस का स्केल आप इमेजिन कर सकते होंगे। इतनी वायलेंस के बीच यूरोप में पीस और ह्यूमन राइट्स का आना कोई अचानक हुआ संयोग नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान यूरोप ने अपने आप को तबाह कर लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अकेला ताकतवर देश बचा जिसका राइवल सोवियत यूनियन था।
यूएसए ने इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करते हुए यूरोप की इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन को खत्म किया। यही कारण है कि पोस्ट वॉर यूरोप दुनिया का वायलेंस एक्सपोर्टर होने से मर्सिडीज जैसी लग्जरी सेडान्स का लीडिंग एक्सपोर्टर बन गया। यूएसए के इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मेजर्स को ही हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा है, जो आज की जियोपॉलिटिक्स और पावर बैलेंस डिसाइड करती है। दोस्तों, आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और पावर इक्वेशंस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के डेवलपमेंट के पीछे के डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री फैक्टर्स को एनालाइज करें। पहले बात करते हैं डिप्लोमेटिक मेजर्स यानी फॉरेन पॉलिसी की। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले दुनिया में 6 बड़ी पावर्स थीं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत यूनियन, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। वॉर खत्म होते हुए यूएस अकेला सबसे ताकतवर देश बचा था। वॉर में यूएस का पार्टिसिपेशन इसका बड़ा कारण था, जिसमें उसके दुश्मन हार चुके थे और अलाइज इकोनॉमिकली और मिलिटरली एग्जॉस्ट हो चुके थे। यूएस दोनों वर्ल्ड वॉर्स के पीछे एपिसेंटर से दूर रहा। वॉर में प्रोडक्शन के साधनों की तबाही जो यूरोपियन नेशंस ने सही, उससे अमेरिकन इकोनॉमी बची रही। अमेरिका की सिविलियन पॉपुलेशन वॉर के एयर रेड्स, बॉम्बार्टमेंट्स, डिपोर्टेशंस और कंसंट्रेशन कैंप से भी बची रही। यूएसएसआर में 2.5 करोड़ मिलिट्री एंड सिविलियन डेथ्स हुई। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एग्रीकल्चर और माइनिंग रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तबाह हो गए। वॉर के समाप्त होने तक यूएसएसआर की इकोनॉमी यूएस के मुकाबले 1/4 ही बची थी। इन सब वजहों से ये साफ हो चुका था कि दुनिया के 50% जीडीपी के साथ अब सिर्फ यूएसए ही था जो यूरोप को कंट्रोल और यूनाइट करके रख सकता था। यूएस यूरोप के नज़दीक भी था और साथ ही यूरोप के इंटरनल पॉलिटिक्स में उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक लौता आर्किटेक्ट यूएसए ही रहा। 1945 ऑनवर्ड्स यूएस की फॉरेन पॉलिसी का एक केंद्र बिंदु था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। इसके अनुसार यूएस उन कंट्रीज को सपोर्ट देता था जो सोवियत फोर्सेस या कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के खतरे में थे। कोल्ड वॉर यहां से ही शुरू हो चुका था। इस डॉक्ट्रिन के चलते ही यूरोपियन पावर्स पर अपनी कॉलोनीज को स्वतंत्रता देने का प्रेशर भी डेवलप हुआ। फॉरेन पॉलिसी का एक की कंपोनेंट यूरोपियन देशों की इकोनॉमीज रीबिल्ड करने के लिए दिया गया इकोनॉमिक एड था। 1947 में यूनाइटेड स्टेट्स ने यूरोप की पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी को $13 बिलियन का एड मार्शल प्लान के रूप में दिया। यदि प्रेजेंट मार्केट रेट के अनुसार कैलकुलेट किया जाए तो आज इसकी इकोनॉमिक वैल्यू करीब $113 बिलियन होती। इकोनॉमिक असिस्टेंस यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अहम थी। इकोनॉमिक असिस्टेंस के साथ प्रो वॉशिंगटन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा दिया गया। एंटी कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट की गई और यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए। यूएस पॉलिसी मेकर्स का मानना था कि प्रॉस्परस लिबरल डेमोक्रेसीज जो आपस में फ्रीली ट्रेड करें, वो ना तो आपस में और ना ही यूएस के खिलाफ वॉर्स में शामिल होंगी। इस थ्योरी को डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहा गया। इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल रिवाइटलाइजेशन के साथ ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो अलायंस यूएस ने 1949 में बनाया, जबकि यूएसएसआर ने इसके मुकाबले वॉर्सो पैक्ट बनाया। कहने को तो दोनों मिलिट्री पैक्ट्स म्यूचुअल कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंसेस थे, लेकिन असल में ब्लॉक लीडर यूएस या यूएसएसआर ही इन्हें डोमिनेट करते रहे। ये स्ट्रेटजिक कन्फ्रंटेशन यूरोप में 1980s तक चलता रहा। इसका ही परिणाम है कि यूरोप सिक्योरिटी के लिए यूएस पर डिपेंडेंट हो गया। नेटो ट्रीटी का आर्टिकल 5 इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अनुसार किसी भी एक मेंबर पर अटैक उसके सारे मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा। इन पॉलिसीज का मकसद सिर्फ सोवियत यूनियन को काउंटर करना ही नहीं था, यूरोप की प्रॉस्पेरिटी और एक सिंगल मार्केट में उसका इंटीग्रेशन जहां गुड्स, कैपिटल और लेबर का फ्री मूवमेंट निश्चित हो, इसका एक और मकसद था। दोस्तों, यूएसए यूरोप में एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनाना चाहता था। यूएस का मानना था कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से फ्यूचर के यूरोपियन वॉर्स इम्पॉसिबल हो जाएंगे। ब्रिटेन की ताकत को झटका तभी लग चुका था जब 1947 में ग्रीस में कम्युनिस्ट अपराइजिंग को दबाने की जिम्मेदारी ब्रिटेन को दी गई, लेकिन ब्रिटेन को यूएस से ही हेल्प मांगनी पड़ गई। 1956 का स्वेज क्राइसिस ब्रिटेन और यूरोप के सुपर पावर बनने के सपने में आखिरी कील साबित हुआ। कोरियन वॉर,
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद यूएसए ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित हो चुका था। दोस्तों, इस फॉरेन पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूरोप यूएसए पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुका था। इसका एक उदाहरण है कि 2011 में लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ कैंपेन यूरोप की लीडरशिप में शुरू किया गया था, लेकिन यूरोप देश यूएसए पर इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स और प्रिसीजन गाइडेंस बॉम्ब्स के लिए पूरी तरह डिपेंडेंट थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिपेंडेंस इस बात को साबित करता है कि यूरोप के पास बिना यूएसए की हेल्प के कोई सिग्निफिकेंट मिलिट्री ऑपरेशन सस्टेन करने की क्षमता नहीं है। यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोप के डिफेंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था, अब ब्रेक्सिट की वजह से ईयू से बाहर हो चुका है। इसी वजह से यूरोप यूएस पर और ज्यादा मिलिट्रीली डिपेंड हो रहा है। तो सो मिलिट्री और सिक्योरिटी डिपेंडेंस के अलावा यूरोप और यूएसए इकोनॉमिकली एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। यूरोप अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी है। यूएसए और यूरोप दुनिया की जीडीपी और गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड का 40% हिस्सा बनाते हैं। 2020 में ईयू की कंपनीज ने 353 बिलियन यूरोस के गुड्स यूएस को एक्सपोर्ट किए, जो कि 2018 के मुकाबले 2 बिलियन यूरो ज़्यादा हैं। ऐसी कंपनीज की संख्या 1,64,000 से भी ज़्यादा है। ईयू में यूएस का टोटल इन्वेस्टमेंट एशिया के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है, जबकि यूरोपियन यूनियन का यूएसए में इन्वेस्टमेंट इंडिया और चाइना में उसके इन्वेस्टमेंट का 8 गुना है। यूएस यूरोप के बीच का ट्रांस एटलांटिक ट्रेड दुनिया के सबसे कम एवरेज ट्रैफिक से एंजॉय करता है, जो कि 3% से भी कम है। ये फिगर्स यही दर्शाती है कि ये दोनों रीजन्स एक दूसरे पर इकोनॉमिकली कितने डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा कि हिस्टोरिकली यूरोप यूएस पर इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रली डिपेंडेंट रहा है, लेकिन आज ये सब बदलता दिख रहा है। कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। आज यूएस की हेजमनी को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान से ह्यूमिलेटिंग एग्जिट के बाद आज यूएसए को एक डिपेंडेबल पार्टनर के रूप में देखना मुश्किल हो रहा है। चाइना एक इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सुपर पावर की तरह उभर रहा है। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था, जिसमें यूएस और यूरोपियन कंट्रीज शामिल थीं। इसे भी यूएस ने यूनिलैटरली छोड़ दिया, जिसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ने यूएस के इस मूव को अपोज किया था। रिसेंटली यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने ऑकस नाम की अलायंस बनाई। इसके जरिए ऑस्ट्रेलिया को 12 न्यूक्लियर सबमरीन दी जानी है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जिससे एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गई। इस कारण से भी यूएस की डिपेंडेबल एलाई की इमेज को धक्का लगा था। साथ ही यूरोप की डिपेंडेंस रशिया पर बढ़ती जा रही है। एनर्जी सिक्योरिटी इसका सबसे बड़ा कारण है। 1960s में वेस्टर्न यूरोप सिर्फ 6% ऑयल सोवियत यूनियन से इंपोर्ट करता था। ये सिनेरियो तब बदला जब रशिया ने एक नई ऑयल पाइपलाइन बनाई, जो रशिया के फार ईस्ट से यूक्रेन, पोलैंड और जर्मनी तक पहुंची। इसका नाम ड्रिज़बा यानी फ्रेंडशिप ऑयल पाइपलाइन था। यूएस की कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन और रीगन एडमिनिस्ट्रेशन की लाख कोशिशों के बावजूद ऐसी और भी कई पाइपलाइंस रशिया ने बनाई। रिसेंटली रशिया ने ऑयल एंड गैस डिपेंडेंस को जियो स्ट्रेटजिकली यूज़ करना भी शुरू कर दिया है, जैसे कि यूक्रेन में 2004 में हुई ऑरेंज रिवॉल्यूशन से। जब एक प्रो रशियन लीडर रिप्लेस हो गया, तो रशिया ने यूक्रेन को मिलने वाली गैस के दाम बढ़ा दिए, जिससे वहाँ की प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट डीस्टेबलाइज हो गई और $720 मिलियन का सालाना नुकसान भी हुआ। रशिया की नॉर्थ स्ट्रीम नाम की पाइपलाइन जर्मनी की नेचुरल गैस का 50-75% मीट कर रही है। इसका रिजल्ट यूक्रेन इन्वेजन के दौरान भी देखने को मिला, जब जर्मनी ने यूएसए के नॉर्ड पाइपलाइन पर सैंक्शंस लगाने के आदेश को ठुकरा दिया। यूरोप की रशिया पर यह एनर्जी डिपेंडेंस यूरोप को वल्नरेबल बनाती है और साथ ही यूएस की सैंक्शंस लगाने की ताकत भी कम कर देती है। दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज यूएस और यूरोप की सॉफ्ट पावर में भी देखने को मिल रहा है। सॉफ्ट पावर का मतलब है कि कोई देश बिना मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किए सिर्फ अपने इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस के बेसिस पर कितना डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। सॉफ्ट पावर को बराक ओबामा ने रियल पावर कहा है। पोर्टलैंड कम्युनिकेशंस के द सॉफ्ट पावर 30 इंडेक्स के अनुसार ब्रिटेन ने अपनी फर्स्ट पोजिशन गंवा दी है और उसकी जगह यूनाइटेड स्टेट्स ने ले ली है। इसके अलावा आधे से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ की रैंकिंग्स में गिरावट देखने को मिली है।
इसका कारण यूरोप की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, रेफ्यूजी क्राइसिस और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज का उभरना बताया गया है। हाल ही में स्वीडन जैसे पीसफुल देश में राइट विंग पार्टीज के साथ ही कम्युनल राइट्स देखने को मिले हैं। इसके विपरीत एशियन सॉफ्ट पावर बढ़ रही हैं। चाइना, जापान और सिंगापुर जैसे देशों की रैंकिंग्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और अमेरिकन सॉफ्ट पावर के बढ़ने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ बहुत सी ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में टॉप पे आती हैं। यूएस में दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। इसके अलावा यूएस के कल्चरल एसेट्स जैसे कि हॉलीवुड दुनिया भर की यूएस के बारे में ओपिनियन डिफाइन करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के ऑस्कर्स के बारे में आप सब ने सुना होगा, लेकिन क्या ब्रिटेन के बाफ्टा अवार्ड्स के बारे में आप उतना ही जानते हैं? GTA दुनिया का सबसे पॉपुलर वीडियो गेम्स में से एक है। ये डेवलप तो स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ, लेकिन इस गेम के अंदर शहर सारे अमेरिकन हैं। ये अमेरिका की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हिस्टोरिकली यूरोप की डिपेंडेंस यूएसए पर क्रिएट की गई, जिससे दुनिया में अमन कायम रहे और वर्ल्ड वॉर जैसे महायुद्धों को कभी दोहराया ना जाए। इसी वजह से यूरोप इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली यूएस पर डिपेंडेंट रहा, लेकिन आज ये डिपेंडेंस डाइवर्सिफाई हो रही है। यूरोप रशिया पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट हो चुका है, जबकि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर मिलिट्री डिपेंडेंस अभी भी यूएस पर ही है। इकोनॉमिक टर्म्स में डिपेंडेंस की जगह इंटरडिपेंडेंस ने ले ली है, क्योंकि यूएस यूरोप पे उतना ही इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है जितना यूरोप यूएस पे है। दोस्तों, आज की जियोपॉलिटिक्स पोस्ट वॉर ऑर्डर से बहुत अलग हो चुकी है और उसका केंद्र बिंदु है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब है सब पर डिपेंडेंट रहना, लेकिन किसी भी एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना, जिससे स्ट्रेटजिक डिसीजंस में हर देश आत्मनिर्भर बन सके और अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट के लिए काम कर सके। ये यूएस तक ही सीमित नहीं है। यूरोप ने हाल ही में चाइना और इंडिया पर अपनी मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सप्लाईज की डिपेंडेंस कम करने की बात भी कही है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल कहते हैं, द स्ट्रेटजिक डिपेंडेंस ऑफ यूरोप इज अवर न्यू कॉमन प्रोजेक्ट फॉर दिस सेंचुरी। यही ट्रेंड इंडिया चाइना के लिए भी वैलिड है। आत्मनिर्भर भारत स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के लिए एक पहल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे यूरोप खुद यूएस की एक कॉलोनी के जैसे बिहेव कर रहा है। इसके अलावा ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से जुड़े क्वेश्चंस GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। आपके लिए एक सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शंस में जरूर दें। द क्वेश्चन इज, द पोस्ट वॉर ऑर्डर रिलाइड ऑन बाईपोलर अरेंजमेंट्स, हाउएवर द वर्ल्ड ऑर्डर टुडे इज मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।